भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे धान की फसल में लास्ट स्प्रे में आपको क्या करना चाहिए। आपने बहुत सारे स्प्रे किए होंगे, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स खाद डाला होगा, लेकिन जब बालियां निकल आती हैं उसमें आप लास्ट स्प्रे में क्या करना है। लास्ट स्प्रे में किसान भाइयों आपको यहाँ पर बता दें कि बालियों में दाने का भराव चालू हो जाता है तो वहाँ पर पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटाश आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, साथ में आप बोरान भी मिला सकते हैं, क्योंकि बालियां निकल रही होती हैं। पोटाश से किसान भाइयों दाना हमारा सुडोल बनता है, चमकदार बनता है। पोटाश से हमारे जो दाने का भराव है वो भी अच्छे से होता है, उसमें जो दुग्धावस्था होती है वो दाना वजनदार बनता है। पोटाश की कमी से किसान भाई हमारे दाने मजबूत नहीं हो पाते हैं, इसलिए पोटाश की इसमें आपको स्प्रे जरूर करना चाहिए। पोटाश से हमारा तना मजबूत होता है, जिससे हवा जब तेज़ चलती है तो पौधा हमारा गिरता नहीं है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो लास्ट स्प्रे मैं आपको किसान भाइयों NPK 0050 का स्प्रे कर देना चाहिए। NPK 0050 से बहुत सारे फायदे होते हैं, इसमें पोटाश होता है। पोटाश की लास्ट में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वैसे तो किसान भाइयों आपने रोपाई के समय, हो सकता किसान भाई हमारे ज़्यादातर किसान भाई रोपाई के समय पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पोटाश का इस्तेमाल किसान भाइयों तीन भागों में आपको करना चाहिए। दो भागों में तो आपको दानेदार रूप में देना चाहिए, या कि म्यूटोटा पोटाश, एमओपी पोटाश आता है, उसको आपको लगभग रोपाई के समय आपको आधी मात्रा 15 से 20 kg मतलब डाल देना चाहिए। इसके बाद जब धान में आप लास्ट यूरिया डालते हैं, यानी 40 से 45 दिन पर, तो उस समय आपको यूरिया के साथ पोटाश की मात्रा 15 से 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब बालियाँ निकलने का समय नज़दीक आ जाता है पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जिन किसान भाई अभी लेट से धान की रोपाई किए थे, उसमें गबोट की अवस्था प्रारंभ होने वाली है, तो वो किसान भाई लास्ट यूरिया के साथ MOP पोटाश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे बालियों का पोलिनेशन अच्छे से होगा, दाने जो भरेंगे उसमें दाने का भराव भी अच्छे से होगा, बालियां लंबी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी और दाना भी वजनदार बनेगा। और इसके बाद जब फसल हमारी बालियां निकल आती हैं, फ्लावरिंग वाली स्टेज ख़त्म हो जाती है, उसमें पोलिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसके बाद दाने का भराव होना चालू हो जाता है, यानी कि बाली हमारी ऊपर निकलती है, जब निकल करके हमारी वहाँ पर नीचे झुकने लगती है, इस अवस्था पर किसान भाइयों वहाँ पर जो हमारा NPK 0050 आता है उसकी डोज की बात करें तो 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना है। साथ में आपको बोरान जो 20% वाला आता है उसकी मात्रा 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिलाना है। दोनों का घोल जो है अलग अलग बर्तन में आपको घोल लेना है, और जब स्प्रे करने चले तो वहाँ पर आपको एक मशीन में डाल करके आपको स्प्रे कर देना है। लेकिन स्प्रे करते समय किसान भाइयों ध्यान रहे कि आपको खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इस समय बहुत से क्षेत्रों में बारिश भी नहीं हो रही है, तो ऐसे में किसान भाइयों बालियाँ निकल रही होती हैं, दाने का भराव हो रहा होता है, उस समय पानी यानी सिंचाई की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वैसे भी हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं हो पा रही है, हमारे ज़्यादातर किसान भाई ट्यूबवेल इंजन जिससे भी साधन सिंचाई कर रहे हैं वो पानी लगा रहे हैं। इस समय अगर थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, थोड़ी सी चूक हो जाती है, तो दाना अच्छे प्रकार से नहीं भरता है, दाने में वहाँ पर खाली रह जाते हैं, दुग्धावस्था जो होती है वो पचक जाती है, इससे हमारी वहाँ पर बालियों में दाने बहुत सारे सफ़ेद हो जाते हैं। आप लास्ट कटाई करते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे दाना हमारा वजनदार नहीं बनता है, और आखिरी वहाँ पर पैदावार भी किसान भाइयों कम मिलती है। तो इस समय NPK 0050 आपको स्प्रे जरूर कर देना चाहिए, ये लास्ट स्प्रे है। चाहे तो उसमें आप जो फंगीसाइड कीट लगते हैं, गंधी कीट है, हल्दी कीट है, इसके लिए मैंने किसान भाइयों बताया था एमडा क्लोरोपिट जो आता है उसको आपको स्प्रे कर देना है। अगर सीड ब्लाइट की समस्या है, ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है, इसके लिए हेक्जाकोनाजोल आता है, उसको आपको स्प्रे कर देना है। साथ में चाहे तो आप मिला सकते हैं। तो ये किसान भाइयों जो भी वीडियो में जानकारी बताए हैं, अगर थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो नीचे आप कमेंट कीजिए आप कहां से हैं, कौन सी समस्या है, आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, नमस्कार।